हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, गरियाबंद हो, सब जगह लघु अनुपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमार सरकार करत है। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करत है, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम होत है, उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था होत है। थोड़ा शांत रहो जी, क्या होगी, बैठो, बैठ जा, बैठ जा, शांत रहो। एक तरफ झूठ बोले के काम प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आयरी से, एकर पहले रायपुर आयरी से, कल वह जगदलपुर में रही से, जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में दीपक बैज जी आदरणीय टी एस सिंहदेव जी अपन भाषण में केस के केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकर ले बटे लबारी अब कहा हो सकते, लबारी मारी कि नहीं मारी। यदि वो धान खरीद थे तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री से डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस ल दे बंद काबर कराए, उसी समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से, हो और वही समय में 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो इसकी नहीं हो रही से, और ओकरे शासन काल 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन, तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत है। और जब ले हमार सरकार आए, कांग्रेस के सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन, और ये साल जिन धान खरीदी हुई तेन जाही 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मन केहरी से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात किस किसान मना, पहली बात किस का धान उत्पादन ज्यादा होते गा, 15 क्विंटल अब खरीदता होकर बाद जते धान है मन 1200-1300 रुपए में बेचता और 20 क्विंटल कर दे, कह रहे कि नहीं कह रहे। और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल, और ओकर स्थिति धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाए, धान के रकबा बाढ़ गए, किसान के संख्या बाढ़ गए, उत्पादन भी बाढ़ गए, अब श्रेय लूटे बड़े मन आ गए। चाउर के 86 लाख के हमल देरी से मीट्रिक टन के 61 लाख कर दिस, ऐसा डबल इंजन की सरकार, फिर वो कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले यदि तय खरीद तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु अनुपज खरीदे हैं डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु अनुपज खरीदे है 15 करोड़, और छत्तीसगढ़ में कतका हो है
388 करोड़ देश के तीन चौथाई लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते। तेंदू पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते। और ये मन तो जिन लघु अनुपज संग्राहक है तेंदू पत्ता संग्राहक है तेकर मन के बीमल भी बंद कर दी। हम शहीद महन कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से अभी तक के ओमन लाभ दे के काम करें। ओकर लाभ 12.5 लाख लघु अनुपज संग्राहक मन कर लाभ उठा थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला हो थे। भाजपा के संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला हो और गोबर कतरा खरीदे हैं अभी 3 साल में 271 करोड़। तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए। तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जैन लग कहे जाते वो होते जैन कर के धन देने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए के धन तो हो ही। यदि गरीब लग 7000 रुपया सालाना देना है केंद्र हो गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है खुल गए। लेकिन ये मनमोहन सिंह जी के भाषण के उल्लेख करीस देश की ये जन संपदा है जत का खनिज संपदा है वो देश के आम नागरिक के अनुसूचित जाति के जनजाति के पिछड़े वर्ग के किसान के मजदूर के अल्पसंख्यक के नौजवान के सबके हिस्सेदारी होना चाहिए। और वही दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रहे थे कांग्रेस के सरकार काम कर रहे थे कि आज 5 साल में हम मोर किसान मजबूत होए मोर नौजवान मन ताकतवर होए मोर बहनी मन के स्वाभिमान से जीवन यापन कर रहे थे मोर लड़का मन के देखभाल हो थे। ये पैसा है ते आम जनता के खाता में जाते। लेकिन गुजरात मॉडल में का होते जत का पैसा है खदान के वो सब अडानी जावा थे। कल वह नगर नार स्टील प्लांट के उद्घाटन करीस बस्तर के आदमी मन बस्तर बंद कर दे रही काबर वो प्लांट चले नहीं है बेचे के तैयारी हो गई पूरा प्लांट ला बेचे के तैयारी। प्रधानमंत्री जी की थे मैं कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अरे हम तो लेवे नहीं कर सका रहे भैया हम लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ये नहीं किस बस्तर के मन किस कि ये निजीकरण नहीं होना चाहिए शासकीय होना चाहिए। विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करें कि ये नगर नार की स्टील प्लांट ते सरकारी होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार नहीं चला सका थे एनएमडीसी नहीं चला सका थे तो छत्तीसगढ़ सरकार ला दे दे छत्तीसगढ़ सरकार चला ली। काबर की यदि वो सरकारी रही स्टील प्लांट तो यहां के लड़का मल्ला अनुसूचित जाति के जनजाति के पिछड़े वर्ग के ये लड़का मल्ला रोजगार मिली। यदि निजी हाथ में चल रही तो आरक्षण के कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज ये जत का संपदा है तेकर उपयोग हम आम जनता पर करत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहिस कि वो निजी हाथ में नहीं जाए। आज एनएमडीसी के प्लांट एनएमडीसी के 13 नंबर के खदान अडानी देरी से मैं आज रायगढ़ में कहना चाहता हूँ एसीसीएल खदान आवंटी तो इस कोयला के गारा पेलमे में और वहां के खदान एसीसीएल के खदान ओला अडानी दे दे। तो अंतर अटके है कि यहाँ जत का रिसोर्स है कांग्रेस हमेशा गरीब पर उपयोग करते है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपन संगवारी मन भर करते हैं। अंतर अटके गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में कांग्रेस के मॉडल में। आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोले के काम करते
आज खड़गे साहब कहा थे, राहुल जी कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए। खड़गे साहब अभी हैदराबाद में CWC की बैठक हुई, सो प्रस्ताव पारित करी, ये 50% के सीलिंग लगे तीन हटना चाहिए। हमारे प्रदेश में भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग EWS 76% के प्रस्ताव पारित करें, राज्यपाल यहां लटके। आज तक के हम दस्तखत नहीं करा थे, हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन के अधिकार छीने काम करा थे। दूसरा तरफ कहा थे PSC में घोटाला हो है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगवारी कहना चाहता हूं, ये मन आरोप लगा थे, एक तक तो शिकायत बता दे, कोई मंत्री मन के मंत्रिमंडल के साथ ही कोई परिवार वाला मन है का।